ये मेरा तंदूरा और ये मेरी मम्मा ने बनाया है और आज वो आपको सिखाएगी कि ये मेरी मम्मा ने कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं अनिका की स्पेशल रिक्वेस्ट पर उसके लिए टेंट हाउस बनाने जा रही हूँ और ये टेंट हाउस मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं कितने इजी वे में ये टेंट हाउस बन जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm a mall, let's not end tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be, and yes we don't have time to say goodbye. टेंट हाउस बनाने के लिए ये एक मैंने पुरानी बेडशीट ली है जिसका प्रिंट मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स बने हैं, सो ये थोड़ा गर्लिश है। इस बेडशीट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इसका मेज़र करके मैं 5 फिट पे निशान लगा लूँगी और 5 फिट पे इसकी कटिंग करूँगी। अब ये बेडशीट के दोनों पार्ट्स को भी हमने बीच में से कट कर लिया है। ये हमारे टेंट हाउस के दो साइड की वॉल बन जाएगा। अब ये दोनों पार्ट्स को हम बीच से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे एक ट्रायंगल का लुक देंगे। टेंट हाउस में जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, उसको मैंने यहाँ पे 5 इंच पे मार्क किया है जहाँ से हम नीचे की तरफ स्लैंटिंग लाइन में इसको कट करेंगे। टेंट हाउस के साइड के दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं, बट इसको खोलने से पहले हम इसमें विंडो को भी कट कर लेंगे। नीचे से 1.5 फुट का मेज़र करके हम ऊपर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हम 1 फिट की विंडो बनाएंगे। खिड़की को सही शेप में और प्रॉपर वे में काटने के लिए जो भी हमने मार्क किया है उसके सेंटर से पकड़कर हम इसको इस तरह से ट्रायंगल में कट करेंगे जिससे कि विंडो की एक प्रॉपर शेप में कटिंग होगी। टेंट हाउस के फ्रंट का पार्ट बनाने के लिए मैंने ये कॉटन का दुपट्टा लिया है। ये पिंक कलर का है और ये बेडशीट के साथ इसका एक अच्छा कंट्रास्ट बैठ रहा है। इसके चारों तरफ ये लेस लगा हुआ है जिसको मैंने निकाल लिया है और इस लेस को हम अलग अलग पार्ट्स में यूज़ करेंगे, जैसे कि जो विंडो बनाई है उसके चारों तरफ लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। विंडो के चारों तरफ हम दुपट्टे के कपड़े की पाइपिंग लगाएंगे और फिर हमने जो लेस निकाला है उसको बाहर की तरफ से सिल देंगे जिससे एक ये बहुत ही सुंदर विंडो लगेगी। अब फ्रेंड्स ये देखेंगे हमने ये 3 साइड से हमने इसको सिल लिया है। ये देखेंगे इस तरह से यहाँ से ये 3 साइड से हमने इसको सिल लिया है। अब ये वाला जो एरिया है वो बैक साइड में जाएगा और ये वाला एरिया आ जाएगा ये साइड का, इसमें विंडो बना हुआ है। एंड दिस वन ऑल्सो, ये वाला भी साइड में आ जाएगा इस तरह से, इसमें भी विंडो बनाया। अब हम फ्रंट का एरिया बनाएंगे और उसमें अंदर जाने के लिए डोर भी बनाएंगे। अब फ्रेंड्स ये हमारे फ्रंट के पोर्शन की कटिंग है। अब हम इसको एक बीच में से इसमें कट देंगे, सिंपल स्ट्रेट कट, जिससे कि डोर बन जाएगा। सो पहले अब हम इसे मार्क कर लेंगे। ये मैंने यहाँ इसे मार्क कर लिया है एंड
अब एक सिंपल यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे और ये अंदर जाने के लिए डोर बन जाएगा और फिर हम इस डोर को थोड़ा सा अच्छा और ब्यूटीफुल लुक देंगे। सो लेट्स कट इट फर्स्ट। बेडशीट के बचे हुए कपड़े को लेकर मैं डोर के चारों तरफ पाइपिंग लगाऊंगी। पहले हम इस पाइपिंग को लगाएंगे और इसके ऊपर से फिर हम वही जो हमारी लेस बची हुई है उस लेस को लगाएंगे। इस तरह से सब मिक्स मैच कर देंगे जिससे कि ये पूरा ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा लुक देगा। सो फ्रेंड्स, अब ये टेंट हाउस का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमें क्या करेंगे कि हम इसको फिनिश देंगे। ये फ्रंट पार्ट है, पोर्शन है, और ये साइड का है जिसमें विंडो है। ये बैक साइड है और ये भी साइड का है, इसमें भी विंडो है। अभी क्या करना है हमें, ये वाला और ये वाला हमने अभी जोड़ा नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको फिनिश देंगे। यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे एंड इसी तरह से नीचे से भी हम मोड़ लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें पोल लगाएंगे, बांस के डंडे लगाएंगे। इसके जितने भी एज हैं जहाँ से ये हमारा टेंट हाउस ऐसे मुड़ेगा, और यहाँ पे इस तरह से हमें चार बांस के डंडे लगाने होंगे। मैं आपको बताती हूँ। तो ये मैंने बांस के डंडे रखे हुए हैं, ये मैंने खरीदे हैं। एक्चुअली टेंट हाउस हमारा 5 फिट का है, तो ये मेरे डंडे जो है 6 फिट के हैं, जिसमें हम इस टाइप से लगाएंगे इनको। थोड़े ये बाहर ऊपर की तरफ निकलेंगे। और एक जो बचेगा हमारा, 4 है ये डंडे। इस टाइप से ये डंडे लगा दिए हैं मैंने बैम्बूज। अब हमें क्या करना होगा कि इसे हमें कवर करना होगा, ये जो इसमें कनेक्ट, इसमें अटैच करना होगा, तो हमें यहाँ पे एक पट्टी लगानी होगी कपड़े की। सो फ्रेंड्स, ये पोल्स जो हैं, अब इनको कवर करने के लिए मैंने ये इस तरह से पट्टियाँ बना ली हैं। इन पट्टियों से हम इसको कवर करेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ से इस टाइप से इसको अंदर दबाते हुए पहले हम इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे इस साइड से, देन फिर हम इसको इस साइड से कवर करके और ऐसे ये पूरे में हम ऐसे पट्टी को लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने सिल लिया है अपना टेंट हाउस। ये आप देखेंगे कि इसमें मैंने ये पट्टियाँ लगा लिया इस तरह से, जिसमें हम अपने बांस को डालेंगे। 1, 2, 3 एंड ये 4। तो अब हम इसको करेंगे सीधा और फिर हम इसमें अपना बांस का देखते हैं डाल के। सो अब हम इसको डालते हैं। नीचे के साइड में हम ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, 2 इंची का हम बैम्बू को निकालेंगे। अभी हमारे टेंट हाउस के ऊपर का पार्ट है जिसको बैम्बू के साथ मैं अच्छे से टाइटली बांध दूंगी। ये सुई ली है मैंने और उसमें डाला है ऊन। ऊन से मैं अच्छे से इसको सिल दूंगी और अच्छे से टाइटली बांध दूंगी, जिससे कि ये कपड़ा नीचे की तरफ फिसलेगा नहीं। अब हम इन चारों बांस के डंडों को भी अच्छे से टाइटली बांध देंगे। वही पिंक कलर की ऊन को मैंने लिया है और इस तरह से चारों को एक साथ टाइटली बांध देंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगा के देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। अनिका बहुत एक्साइटेड है। अनिका, लगा के देखें। ओके,
जब चारों बैम्बू ऊपर से इस टाइप से बन जाते हैं तो ऊपर कपड़ा हमारा थोड़ा लूज हो जाता है, तो उस कपड़े को भी इस तरह से हमने सिल लिया है और चुन्नट दे दी है, जिससे कि जब हम अपने टेंट हाउस को नीचे से फैलाएंगे तो ये बहुत ही इजीली और अच्छे से खुल पाएगा। और फ्रंट से भी इसे बंद करने के लिए मैंने टिच बटन लगा दिए हैं, इसको आप खोल भी सकते हैं और जब मन करे बंद भी किया जा सकता है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर टेंट हाउस, जिसको अनिका ने अपने टॉयज और ये गार्लैंड से ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कहीं भी घर के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, जिससे बच्चे अपना प्ले एरिया बना सकते हैं और उससे खेल सकते हैं और काफ़ी समय इस पे बच्चे अपना बिता सकते हैं। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप भी इसे ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसमें हम इस तरह से फेरी लाइट भी लगा सकते हैं, जो नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बच्चे इसे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें मेरे और भी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।